नमस्कार, मैं हूं अमन शुक्ला, आप देख रहे हैं वीके न्यूज एमपी। सीएम शिवराज लगातार एमपी में अपराध पर लगाम लगाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। लगातार अधिकारियों को चेतावनी दे रहे हैं कि अपराध कर प्रदेश का नाम खराब करने वालों को छोड़ना नहीं है, चाहे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। सीएम के आदेश के बाद पुलिस प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है, लेकिन इतनी सख्ती के बावजूद भी कुछ लोग हैं जिनको ना तो कानून का डर है और ना ही किसी तरह की कार्रवाई का। ऐसे ही लोगों की वजह से प्रदेश से लगातार अपराध के दिल दहलाने वाले मामले सामने आ रहे हैं। इसी बीच इंदौर से अपराध का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल एक महिला जिसका नाम बिंदु है, उसने एक मासूम बच्ची के साथ हैरान करने वाला काम किया है, और एक महिला होकर इसने मासूम के साथ जो काम किया वो यकीन मानिए कोई इंसान नहीं हैवान ही कर सकता है। 15 साल की छात्रा ने एसआई प्रियंका शर्मा को बताया कि 14 नवंबर को गजनी और अमन नाम के लड़के उसको घुमाने के बहाने ले गए और उसको कोल्ड ड्रिंक में शराब मिलाकर पिला दी। इसके बाद जब मासूम लड़की नशे में धुत हो गई तो आरोपी उसको एक होटल में ले गए और वहां पर उन्होंने उसके साथ मिलकर बलात्कार किया। इतना ही नहीं, आरोपी उसे 2 दिन बाद एक महिला के घर भी लेकर गए। यहां पर उन्होंने नशा किया और उसे भी जबरन नशा करवाया। नशे की हालत में उसे फिर से होटल ले गए और वहां पर उसके साथ दोबारा कुकर्म किया। लगातार 3 दिन दुष्कर्म करने के बाद आरोपियों ने उसे घर छोड़ दिया। इतने दिनों में लड़की को ड्रग की लत लग चुकी थी, क्योंकि आरोपी उसको लगातार ड्रग दे रहे थे और फिर नशे की हालत में उसका रेप करते थे। लड़की इतनी बुरी तरह से ड्रग की आदी हो चुकी थी कि वो लोग उसे ड्रग देने के बहाने फिर से उसके साथ दुष्कर्म करने लगे। इस दौरान आरोपी उसको फिर से महिला के घर ले गए। इन सब के पीछे जिस महिला का हाथ था उसका नाम ही बिंदु है। बिंदु ने फिर से आरोपियों को ड्रग्स दिया और उन्होंने नशा करने के बाद फिर से लड़की का रेप किया। जिस लड़की के साथ ये सब कुछ हो रहा था वो सिर्फ 6वीं क्लास की छात्रा है और बिंदु उस लड़की को नशे के जाल में ढकेल रही थी। फिलहाल जब ये सारी बातें पीड़ित लड़की ने पुलिस को बताई तो पुलिस भी दंग रह गई। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गजनी ठाकुर, अमन वर्मा, बिंदु दीदी के खिलाफ अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म की धाराओं में केस दर्ज कर इनको गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि इनके संपर्क में ऐसी कई लड़कियां हैं, इसलिए अब पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और इन लोगों ने मासूम के साथ जो दरिंदगी की है उसकी सजा तो इनको मिलनी अब तय है। इस वीडियो में इतना ही। खबर कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं, साथ ही खबर पसंद आई हो तो दोस्तों को भी शेयर करें और मध्य प्रदेश जुड़ी ऐसी ही खबरें देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज़ एमपी और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।